सामने एक बंदे इसको खत्म करते हैं। ओके गाइस, अब मुझे कोई नहीं बचा, इस गेम में मैं मर चुका हूँ। अरे यार, इस ब्लू वॉल भी तोड़ रहा है, अब मैं क्या करूँ? मुझे फ्लैश चालू करना होगा, तो इस तरह इसको मारते हैं। चलो, ये फिर से सोनिया बन चुकी है, अब मैं मर जाऊँगा। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, और आज तो हमारे साथ एक बहुत बड़े बंदे जुड़े हैं जो कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, टीजे एडम। तो एडम इज बैक गाइस। अगर हमारे पास एडम हो तो इस गेम में कहर ढालना तो बनता ही है। तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, और मैं बता दे रहा हूँ, मुझे ये मैप खेले हुए तकरीबन 1.5 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। नहीं तो मैं बरमूडा क्लैश स्क्वाड ही खेलता था, और ये मैप तो मैंने आज तक डाउनलोड किया ही नहीं। लेकिन आप लोग का ये बहुत सारा कमेंट आने की वजह से मैं ये मैप को डाउनलोड किया हूँ। तो देखते हैं आज इस मैप में हम लोग क्या कहर ढाल पाते हैं, इस गेम को जीत पाते या नहीं। वैसे यहाँ पर मैं AK-47 उठा लेता हूँ। एक स्क्वाड से उतरी थी, लेकिन उसकी मतलब कि फुटस्टेप तो अभी फिलहाल नहीं आ रही है। बाय द वे, आप लोग एडम चाचा का जो कॉम्बिनेशन ड्रेस, एक मिनट, सामने बंदा, ओ दो बंदे, एक मिनट, ये कहाँ से ऑप्शन बंदा निकल गया भैया, आप निकलो पहले। एक बंदा ऊपर की तरफ है जिसको मारना हमें बहुत, एक मिनट फ्लैश चालू करते और बेटे देख। अरे भाई, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखते ही देखते दो बंदे को टपका दिया, और यहाँ पर लैंडमाइन लगा देते हैं, जिसके बाद ये बंदा अपने आप मर जाएगा। एक मिनट, इसको खत्म करते हैं। एक, अरे भाई, ये बंदा लैंडमाइन से बच गया। चलो कोई ना, इसको बॉडी से ही ख़त्म नहीं। अरे नहीं दादा रे, अरे रुक जा मैडम, मतलब ही एडम को मारने की किसकी हिम्मत हुई। एक मिनट, इधर पर तो बंदा नहीं दिख रहा, लेकिन स्कैनर के अंदर अभी बंदा नहीं दिख रहा। ओके, मेरे पीछे ये, अरे भाई गाइस, यहाँ पर हमारे पास 0 मेडकिट, तो थोड़ा संभल कर खेलना होगा। मेडकिट कहाँ से लूँ? ओके गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ा सेटिंग कर लेता। ओके, सामने है इस लूट बॉक्स में, क्या पता मैं मेडकिट मिल जाए। ओके, यहाँ पर एक मेडकिट मिल चुका है। जहाँ तक लगता है ये लैंडमाइन से तो ज़रूर फटने वाली है। ओ भाई, फट गई गाइस। यहाँ पर लगता है चिपकांडी बंदा या बंदी आ चुकी है, जिसको डैमेज पड़ा है लैंडमाइन से। एक मिनट, तो दोस्तों यहाँ पर, अरे दादा रे, बंदे ने तो 1,00,000 वाला IQ इस्तेमाल कर लिया है। तो हमें थोड़ा यहाँ पर लूट कर लेते हैं, नहीं तो इसकी तो हम लोग पुंगी बजा देते हैं, नहीं तो इससे हमारा मैटर हो जाता है। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग कुछ लूट लेते हैं, क्या पता हमें कुछ शायद अच्छी चीज़ मिल जाए। वैसे मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, क्योंकि इस बंदे ने तो यहीं से आया था। ओके, 4x मिल चुका है दोस्तों। अरे देखो, अरे दीदी रे, अरे मैडम कहाँ पर हूँ? अरे भाई 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 भाई, एक मिनट, हमारे प्लस एक फ्लैश है। अरे सोनिया, दोस्तों यहाँ पर इस बंदी ने सोनिया लगा लिया। चलो सीधे हम लोग इस बंदी को ख़त्म करते हैं। मैडम जी के पास सोनिया और डिमिट्री था। मैडम जी, हाँ, हमारे पास टीजे एडम है। तो दोस्तों अभी फिलहाल पूरा मैप ख़त्म होने वाला, और अभी तक बंदे मिल ही नहीं रहे। ओके, देखते और कहाँ पर बंदे। अच्छा, सामने कोई लगा हेडशॉट, और इसके भाई बंधु तो होंगे, लेकिन जो भी बोलो। अरे भाई, एक मिनट, इसकी ज़रूरत कैसे हुई? हमारे पास एक फ्लैश है भाई। अच्छा भाई साहब, इस बंदे ने तो हमारी एकदम पूरे पुंगी बजा दी। चलो कोई ना, और यहाँ पर एक मिनट से हम लोग थोड़ा भी देर नहीं कर सकते, और हम लोग हील कर लेते हैं। बाय द वे, जिन जिन बंदे ने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक कर दे। और मुझे क्यों तो लग रहा है अभी भी बंदे इधर पर हैं, शायद होंगे यहाँ पर, अभी भी पूरा स्क्वाड हो सकता है, क्योंकि मैंने स्क्वाड में सिर्फ 2 बंदे को मारा है, और अभी इसके 2 बंदे हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, नहीं तो हमारा यहाँ पर ही खेल ख़त्म हो सकता है। लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास है टीजे एडम। तो यहाँ से मुझे कोई गन तो लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल मुझे ये वाली शॉटगन कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है। आई डोंट नो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ये एक बार में 12 बुलेट तो नहीं, 3 बुलेट छोड़ते। एक मिनट, पीछे बंदा, सामने वाले बंदे को तो बहुत गंदा वाला हेड मारने वाले, लेकिन अगर यह हमारे रडार से दूर रहा, ये रहा भाई साहब, इसके पास भी डिमेट्री ना हो तो हमारा यहीं पर बैंड हो जाए। ओके चलो, ये भी बंदा डाउन। दादा रे, आज तो सारे बंदे और सोलो में क्यों मिल रहे हैं? डुओ सोलो मिल रहे, स्क्वाड में कोई नहीं मिल रहा है, तभी तो मज़ा आएगा। ओके, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, कुछ खास नहीं है। और मैंने इससे पहले मशीन से मैंने आर्सेनिक की लिया, तो उसको लूटने जाते हैं।
बाय द वे जिन जिन बंदे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दे और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलती है। फिलहाल मैंने इस गेम का 6 किल कर दिए हैं और अभी भी बंदे 26 अलाइव है मुझे छोड़कर, तो इसमें कम से कम मैं 15 किल या 16 किल तो निकाल सकता हूँ। तो अभी हो गए हैं पूरे 29 बंदे अलाइव और मैं सोच रहा हूँ कि कोई गन चेंज कर लूँ, AK-47 को हटाकर कोई तगड़ा सा चीप वाला गन ले लूँ। तो यहाँ पर देखते हैं आर्सेनिक की में हमें कौन सा गन मिलता है। और गाइस आप लोग को अगर मेरे साथ कस्टम करना है तो आप लोग अपनी UID मेरे कमेंट में दे सकते हो, जिसके बाद हम लोग कस्टम करने वाले। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। फिलहाल यहाँ पर मुझे VSS दिख रहा है, AWM दिख रहा है। ओके यहाँ पर 3 लेवल का VSS। चलो गाइस आज हम लोग बहुत दिन के बाद VSS चलाने वाले, मतलब क्या यही गेम में हम लोग हर चीज़ कुछ अलग करने वाले। 1.5 साल बाद में मैप खेलने आया हूँ, तकरीबन 1 साल बाद में VSS चलाने। ओके सामने बंदा इधर पर ही है। अरे भाई भाई भाई, अरे इसको हेड लग चुका, मर जाएगा बंदा, ख़त्म है। अरे भैया तुम चल जाओ। अरे ये क्या हुआ भाई, बंदा मरे नहीं, जल्दी जाकर मारना होगा। अबे यार इस बंदे ने तो अटका दिया। अबे रुक जा बाबू रुक जा, इतनी भी जल्दी क्या है। चलो इस बंदे का भी काम तमाम और इसी के साथ हम लोग ने यहाँ पर 7 किल कर दिए मिले। तो दोस्तों फिलहाल सामने कोई मित्र अपने मित्रों को बचा रहा है जो मैं करने दूंगा नहीं, और सामने एक बंदा तो मुझे दिख रहा है। ओके एक मतलब एक बंदा रिवाइव कर रहा है और एक बंदा मेरे रडार के अंदर। ओके अरे भाई तू आज नहीं रिवाइव कर पाएगा। चलो इस बंदे का भी काम तमाम, वैसे मैं इसको पूरा ख़त्म कर देता हूँ नहीं तो इसके सारे बंदे रिवाइव हो जाएंगे, जो कि मैं होने दूंगा नहीं। और अभी भी 2 बंदे रडार में और दिख रहे हैं। अरे भाई ये नहीं हो सकता, क्या ही इसको हेडशॉट। लेकिन एक बार देखो वो जोन देखो, येलो जोन में कितने सारे बंदे भी है गाइस। यहाँ पर तो 3 स्क्वाड लग रही है मुझे, तो यहाँ से मुझे निकलना होगा नहीं तो एडम चाचा की आज तो यहीं पर भरता बन सकता है। वैसे एडम चाचा डर नहीं रहे, सिर्फ थोड़ा सा कवर लेकर खेलेंगे, क्योंकि अगर चारों बंदे ने मेरे ऊपर फुल फायर कर दिया तब तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा। ओके सामने मुझे 2 बंदे तो दिख रहे हैं, शायद आप लोग को भी दिख रहे होंगे। भाई आज तो VSS कहर दबा देगी पूरे गेम में, लेकिन मुझे क्यों तो लग रहा है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक बंदा तो गया 77 का हेडशॉट बंदा तो ओके चलो बंदा डाउन। शायद हम लोग इस बंदे को ख़त्म कर पाएंगे अगर इसका टीममेट नहीं आया तो। ओके चलो ख़त्म कर देते। अरे नहीं भाई ये क्या कर दिया गाइस, हमारे पास छोटू वाला लॉन्चर है। अब तो इस बंदे का अरे नहीं, मतलब इसको बोलते हैं दोस्त भाई बंदे ने। ओके तो दोस्तों यहाँ पर सामने की तरफ बंदे हैं, मुझे क्यों तो लग रहा है मैं इसको मार दूँ। चलो इसको मैं ग्रेनेड वाला लॉन्चर बना दूँ, इसीलिए मुझे ये गन बहुत पसंद है। अबे यार इसका तो रेंज ही नहीं है। तो दोस्तों कुछ के लगता है यहाँ से अगर निकलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि पीछे से हमारा वार्निंग आ रहा है और सामने की तरफ ही बंदे बहुत सारे हैं। तो देखने वाली बात हुई क्या हम लोग इस जगह पर सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। अरे ऊपर की तरफ ही बंदे हैं भाई साहब, 1 मिनट मैं भी क्या कर रहा हूँ, VSS इसको खोल कर इनको खेलना होगा। अरे भाई अरे देखो एक सामने भी बंदा है, इसको भी मारते हैं। लग जा भाई हेड लग जा। अरे यार तो दोस्तों मैं थोड़ा सा भी अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि आगे बहुत चढ़ाई है, अगर चढ़ाई में करूँगा। ओके सामने ही बंदा, इस बंदे को तो मैं मार कर रहूँगा, बहुत हो गया। अब मैं ना वार्निंग से डरने वाला हूँ, ना पहाड़ वाले बंदे से डरने वाला, ना पीछे वाले बंदे से डरने वाला। इस बंदे की तो आज तो मौत आ गई पक्की। अरे भाई का अरे दादा रे, अरे दोस्त मत भाग, हमारे पास ही आना। अरे मत रिवाइव हो यार। ओके चलो कोई ना, और यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, चुपके निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे आगे पीछे सारे सही बंदे घुस चुके हैं। तब तो हमें निकलना ही होगा, नहीं तो हमारे यहाँ पर तो गोभी खुल जाएगी। और फिलहाल दोस्तों हम लोग ने 10 किल तो कर दिया, पीछे की तरफ ही मेरा बंदा है। आइस यहाँ पर किल ले लेते हैं। चलो अभी की अबे नहीं यार, उस बंदे ने ले लिया किल, वैसे उसी बंदे का किल था लेकिन चोरी करने में क्या हर्ज था। चलो गाइस इस पेड़ के पीछे कवर ले लेते, और सामने की तरफ भी मुझे ओके हाय। अरे
ये क्या था भाई, सामने वाले बंदे सिर्फ 18 डैमेज का था। आज तो गाइस कहर मचा दिया ने एडम चाचा और वीएसएस ने मिलकर तो कहर मचा दिया। तो दोस्तों यहाँ से मुझे लगता है शायद मुझे निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमारा बहुत गंदा मौत आ सकती है। तो यहाँ मैं पीछे से निकल जाता हूँ क्योंकि सेफ जोन हमारे साथ नहीं है। अरे भाई गेम बीच में अटक गया था। अरे देखो ये बंदा मुझे मारने के लिए कितना तगड़ा प्लानिंग कर रहा है। लेकिन गाइस हमारे पास डिमिट्री नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास फ्लैश है। आजकल दूर वाले बंदे को मारना बहुत दिक्कत वाली बात हो गई क्योंकि हर बंदे का पास फ्लैश या डिमिट्री है। अगर बंदे को मार भी देते हो तब वो फिर से रिवाइव हो जाते, तो इसलिए थोड़ा संभल कर खेलना होगा। दोस्त यहाँ से कुछ और गन ले लेते हैं। गाइस मैं सोच रहा हूँ क्या लूँ इधर से, कुछ खास तो मुझे नहीं लग रहा है। छोड़ो अभी 1200 टोकन है, 1200 टोकन क्या करूँ, कुछ नहीं करते। थोड़ा टोकन तो हमारे पास रहना ही चाहिए। और सामने की तरफ बंदा हेड मारते, तो 3 हेड लग चुका। चलो भाई इसके पास सोनिया थी। अरे नहीं दादा, अरे सामने भी पीछे, ओ गाइस पीस में चारों तरफ से घिर गया था। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। अरे नहीं भाई रुकता। तो दोस्त और देखो यार, अबे ये हमें कील मिला कि नहीं हमको मुझे पता नहीं। सारे बंदे आज लगते हैं मेरे पीछे पड़े हुए, पूरी कायनात मुझको मिलकर मारनी चाहती है लेकिन वो मार नहीं पाएगी। और मुझे लगता है यहाँ पर हमें थोड़ा सा सबर कर खेलना होगा क्योंकि एडम चाचा जैसे प्लेयर भी ना थोड़े से तो डगमगा जाते हैं, तो थोड़ा संभल कर खेलना होगा। और अभी भी 4 बंदे अलाइव हैं मुझे छोड़कर, और 12 बंदे तो मैंने अभी तक पूरी इस लॉबी में पहुंचा दिए। ओके सामने एक बंदे इसको खत्म कर। ओके गाइस अब मुझे कोई नहीं बचा, तो इस गेम में मैं मर चुका हूँ। अरे यार इस ग्लू वॉल भी तोड़ रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे फ्लैश चालू करना होगा। अब इसके बाद इसको मारते हैं। चलो ये फिर से सोनिया बन चुकी है, अब मैं मर जाऊँगा, अब मुझे कोई नहीं बचाऊंगा। भाई साहब ये क्या था गाइस, ये था क्या? मौत का छूकर टक से मैं निकल कर आ गया। इसको बोलते हैं गाइस किस्मत। आज आप लोगों ने देख लिया होगा कि भाई रोहित भाई का भी किस्मत है गेम में। अब तो मुझे लगता है पूरी कायनात या पूरी गेम मुझे जिताने के चक्कर में। और अभी सिर्फ 2 बंदे लाए थे और ये 2 बंदों को अगर मैंने मार दिया तो दोस्तों हमारा इस गेम का बुआ हो जाएगा। और मैं बुआ करना चाहता भी हूँ। एक मिनट, सामने ही लगता दोनों बंदे हैं। और अरे भाई एक बंदा एलिमिनेट हो गया। यार बेचारे की किस्मत बहुत ख़राब थी। चलो कोई ना, सामने एक बंदा है, आई थिंक इसके पास ग्लूबल नहीं है गाइस, इसको लोग मार सकते हैं आराम से। अरे नहीं भाई ये क्या हुआ, मुझे तो लेकिन वार्निंग नहीं मारा। चलो गाइस डायमंड 4 की लॉबी में भी हम लोग ने बहुत तगड़ा किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके याद से चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।